जान मार तो हर मीठ मुस्कान तू चांद का निखिलल बाड़ू हो। जान मार तो हर मीठ मुस्कान तू चांद का निखिलल बाड़ू हो। क्या कहना चाहेंगे, इतनी पब्लिक ने अप्रिशिएट किया आपको, और थोड़ा सा बताइए कैसा रिस्पॉन्स था आज का? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे फिल्म प्यार तो होना ही था कि प्रीमियर में आप सभी मीडिया बंधु लोग आए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने फिल्म देखी तो आप लोग इसका जो रिव्यू होगा आप लोग कल बताएंगे, लेकिन आज मुंबई में लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म है हमारी नौरंग में, जो हमारी फिल्म से ओपन हुई नौरंग सिनेमा हॉल। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि लॉकडाउन के बाद पहली फिल्म हमारे प्रमोद शास्त्री सर ने जिसको निर्देशन किया था और अमित सर ने प्रोड्यूस किया था, आज नौरंग सिनेमा में लगी और बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम प्रीमियर तो इसके पहले भी छलिया का हुआ था, लेकिन पब्लिक के साथ और सारे लोगों के साथ फर्स्ट टाइम बहुत मज़ा आया। कितना चैलेंजिंग किरदार है और थोड़ा सा बताइए शूट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए मेरा जो फिल्म में कैरेक्टर है वो जैसे मैं अभी अरविंद अकेला कर लूँ वही है, लेकिन हाँ इस फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल लोग बेटी बेटा में फ़र्क जानते हैं, हम लोग के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को ला दिया है, लेकिन कुछ लोगों की सोच जो है बेटी बेटा में फ़र्क जानते हैं। उसके जो बेटी बेटा में सोच रखते हैं उसके लिए एक जोरदार तमाचा है कि बेटी बेटा कोई भी फ़र्क नहीं होता है, जैसा बेटा होता है वैसी बेटी होती है। और कलाकार क्या होता है, अपने सारे दुख गम को छुपा के पब्लिक के चेहरे पे हंसी लाने के लिए, चाहे वो कितना भी दुख में रहे पब्लिक के चेहरे पे हंसी लाने के लिए वो कुछ भी करता है, ये दर्शाया गया। और एक से बढ़कर एक सामाजिक संदेश। चैलेंजिंग तो था लेकिन दिल से चैलेंजिंग तो था बट दिल से मैं बहुत मतलब मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कभी भी जहां हम काम कर रहे हैं कभी ऐसा भी रोल हीरोइन को दिया जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं हमेशा एक हीरो ओरिएंटेड फिल्म बनती है और इस फिल्म में कल्लू जी से अच्छे शायद कोई और हीरो नहीं होते, तो हो नहीं सकते थे बिकॉज जितने आप लोगों ने सभी ने फिल्म देखी कितनी ज़्यादा ये हीरोइन सेंट्रिक फिल्म थी और मेरे लिए बहुत था, थोड़ा तो चैलेंजिंग था, सब बोलते चैलेंजिंग नहीं था, ये मेरा रियल कैरेक्टर है बट ठीक है। नहीं, ये तो रियल कैरेक्टर है, यामिनी का रियल कैरेक्टर है और मुझसे अच्छा शायद कोई नहीं अच्छा प्ले कर रहा है। आपको 4 अवार्ड मिले, आपकी पिक्चर रिलीज हुई है, कैसा लग रहा है आपको, क्या कुछ बोलना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं कनक यादव, आप सभी मीडिया कर्मी और जो दर्शक यहाँ पर आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और सिनेमा को देखा। अब आपने देख लिया है तो प्लीज़ आप बताइएगा कि कैसी बनी है, आपको क्या क्या पसंद आया है। और सिनेमा में सभी ने बहुत मेहनत की है, जैसा कि एक्चुअल रियल लाइफ में भी आप देख रहे हैं कल्लू जी हीरो हैं, फिल्म देख ही चुके, मैं हीरोइन हूँ, तो एक हीरोइन होकर हीरोइन को पोर्ट्रेट करना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जब रियल लाइफ आप कोई करते हो वो एक्टिंग नहीं करते हो, पर एक्टिंग के अंदर एक्टिंग करना इट्स डिफ़िकल्ट जॉब, जो सबने बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि इसमें बाप बेटी का जो रिश्ता है आज हम लोग दूर हो जाते हैं, बट इसमें बाप बेटी का एक इतना प्यारा रिश्ता दिखाया गया है कि मैं चाहती हूँ समाज में भी वो प्यार, वो अपनापन और जो परिवार में अपनापन होता है वो वापस आ जाए। सर आप बताइए, इस फिल्म की सबसे बड़ी USP है कि इस फिल्म में जितने एक्टर्स हैं वो खुद को प्ले किए, इसमें किसी ने कोई कैरेक्टर नहीं प्ले किया है, जैसे कल्लू जी ने अरविंद अकेला कल्लू को प्ले किया है, नाम चेंज हुआ है, यामिनी सेम टू सेम है, कनक इज़ ब्रिलियंट, रोहित इज़ गुड, एवरीवन इज़, सुशील जी कमाल के हैं, सब ने बहुत अच्छा प्ले किया है। और कहाँ गए हमारे डायरेक्टर प्रमोद जी मेरे रोल किया है, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। वो ये मामा एक्चुअली घर में जो होता है नौकर का मामा होता है और वो मार खाने के लिए ही होता है, तो जब मार खाते हैं तो पब्लिक हंसती है तो अच्छा लग रहा है, नहीं वो दर्द तो नकली था, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने फिल्म देखा और फिल्म से रिलेटेड स्टोरी, मतलब आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं बिना फिल्म देखे क्वेश्चन पूछते हैं, देखा है सारे मीडिया बंदों से मिलते हैं कि आप लोग देखिएगा। और जैसा कि लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में अच्छी फिल्म है,
तो ये आप सबके बीच अच्छी फिल्म आई है, आप लोग चाहेंगे तो ये फिल्म अभी आई है, इससे भी अच्छी अच्छी फिल्म आपको। ये फिल्म की USB सारे एक्टर्स को उनके नाम से बना जैसा आपने बनाया वैसे ही बनी है। हाँ सर, वैसे ही बनी है जैसा मैंने बनाया और लोगों को वैसे ही अच्छी लगी जैसा मैं सोचता था। रिस्क सर, अच्छे कहानी पर रिस्क तो लेना ही पड़ता है, अगर हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे तो कौन लेगा रिस्क, तो इसलिए रिस्क लिया हूँ। और मैं अपने कलाकारों के ऊपर, चाहे वो कल्लू जी रहे हों, चाहे कनक जी रही हों, यामिनी जी रही हों, सारे कलाकारों पर इतना विश्वास था मुझे कि सबने बहुत अच्छा किया है, तो इसलिए सर बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी तो कलाकार लोग बताएंगे, सारे हमारे जो स्टार हैं यहाँ पे वो सब बताएंगे। आइए सलीम जी। कल्लू जी के साथ मैंने भी अभी भी काम किया, अगली आने वाली फिल्म है आनबान शाम, लेकिन आज के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी भावनात्मक इमोशनल फिल्म भोजपुरी में बन सकती है, ये हमारे निर्देशक प्रमोद शास्त्री ने साबित किया कि साफ सुथरी फिल्म भी भोजपुरी में बनाई जा सकती है और वो दर्शकों के दिल को छू सकती है। अंत में फिल्म के अंत में मैं स्वीकार करता हूँ, कल्लू ने और प्रमोद शास्त्री ने मिलकर मुझे रुला दिया था, और ये जो तो है मेरे से सख्त हृदय विलेन को अगर रुला दिया तो मतलब कहीं ना कहीं तो कामयाब है। और इस फिल्म का हासिले जो मतलब सबसे ज़्यादा जो हासिले मैं मानूंगा वो ये है कि इसमें एक नया एक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है प्रमोद शास्त्री, जिससे बहुत ही नेचुरल परफॉर्मेंस की है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा वो इस फिल्म को अपना प्यार दे ताकि ऐसी साफ सुथरी फिल्म में बने। आप महसूस करेंगे इस फिल्म में एक भी आइटम सॉन्ग नहीं है और जितने भी लड़कियों ने महिलाओं ने काम किया है बहुत ही बेहतरीन काम किया है, बिना अंग प्रदर्शन के बहुत ही अच्छा काम किया है। भोजपुरी फिल्मों को माना जाता था कि बहुत ही वल्गर होती हैं, लेकिन आज मैं अपना ये नज़रिया बदल रहा हूँ और मैं कहूँगा, कल्लू को भी बोलूँगा और प्रमोद शास्त्री को भी, कैसी साफ सुथरी फिल्में बनाते रहें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद, मेरा साधुवाद। और ये हमारी बॉस हैं, मतलब जी की मम्मी जी। और मम्मी जी आप बताइए, आपको कैसा लगा पिक्चर? बहुत अच्छी लगी, सभी का स्वागत है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आई एम हैप्पी। कहाँ हो यार? पापा जी आप कैसे? मम्मी और ये उनके पापा जो शूटिंग देखने आए थे, फर्स्ट टाइम गुजराती फैमिली से भोजपुरी के लिए किसी ने अगर प्यार दिखाया है, ये इनका प्यार है कि ये खुद इतने प्यारे हैं कि इन्होंने वो प्यार हम लोगों से भी बांटा और आज फिल्म के माध्यम में आप भी देख रहे हैं। आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ, उसके बाद आप भी मिले हम लोग, और भैया हमारी विनोद जी कुछ कहें इस फिल्म के बारे में। विनोद जी हमारे अगली फिल्म आनबान शाम के प्रोड्यूसर हैं और मैं चाहूँगा कि इस फिल्म के बारे में अपनी राय बताएं। प्रोड्यूसर गार्जियन, सबसे पहले मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आज खास करके हमारे छोटे अनुज प्रमोद शास्त्री जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उनकी फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है, जो हम लोग 15 वर्षों से प्रयास करते थे कि हमारी फिल्में साफ सुथरी हो और एक समाज की आईना हो, तो प्रमोद जी ने वो साबित किया है कि समाज को आईना दिखाने का काम किया है, बहुत ही साफ सुथरी फिल्म बनाई है और हम आशा करते हैं कि और भी लोग अच्छी फिल्में बनाते हैं, लेकिन एक जैसे कि बताया कि यू सर्टिफिकेट मिलना अपने आप में आज के माहौल में बहुत बड़ी बात है, तो मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, पूरी टीम को देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं इससे सख्त सुनना चाहूँगा, भोजपुरी के लिए जो जीते हैं, भोजपुरी से जो जहाँ भी लोग भोजपुरी में पैदा होते हैं वो भोजपुरी फिल्म बनाए तो चलता है, लेकिन भोजपुरी भाषा ना होते हुए भी सर ने हमारी फिल्म बनाई, इसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और सर से मैं चाहूँगा कि आपको कैसा लगा हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री? बहुत बहुत बढ़िया, मतलब इतनी अच्छी टीम सिर्फ एक मेरे ऑफिस में और दूसरी भोजपुरी इंडस्ट्री में, और अरविंद इतना लड़ला है कि सेकंड मूवी हमारी मई में रिलीज हो रही है उसमें भी अरविंद और यामिनी लीड रोल्स में, प्यार का देवता, प्यार का देवता। जन मार तो हर मीठ मुस्कान, चांद का निखिल बाड़ू हो,
जन मारे तोहर मीठ मुस्कान तू चांद खानी खिलल बड़ू हो। थैंक यू। क्या बात है। अगर फिल्म के पास आ जाए तो मैं फोटो नहीं बैठता। अगर फिल्म के पास आ जाए यहां से बहुत पसीना होता है, बहुत ज्यादा। वो फैमिली रोल है, यही है ना। वीडियो वीडियो वीडियो।